3 मार्च 2024 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद गोरखपुर श्री प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु शिलान्यास एवं छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसका लाइव प्रसारण सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, सांसद राज्यसभा ब्रिजलाल, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी और जिला अधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार की उपस्थिति में अंबेडकर सभागार में देखा गया। इसके पश्चात जनपद स्तर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, सांसद राज्यसभा ब्रिजलाल, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी और जिला अधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 35 करोड़ लाख की लागत से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, सांसद राज्यसभा ब्रिजलाल द्वारा बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छ शौचालय, अतिरिक्त कक्षा, कक्ष प्रयोगशाला आदि मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह जनपद आकांक्षी जनपद के अंतर्गत चयनित है। इस जनपद को आकांक्षी जनपद से बाहर निकालने के लिए विकसित होना बहुत जरूरी है, जिसके तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों को कायाकल्प के माध्यम से स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था पर कर विकसित किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि जनपद का प्रत्येक विद्यालय स्मार्ट क्लास की सुविधा से सुसज्जित हो। सांसद राज्यसभा ब्रिजलाल ने कहा कि हमारा जनपद आकांक्षी जनपद है। जनपद के विकास के लिए अपने सांसद निधि से मल्टीपर्पज हाल, अतिरिक्त कक्षा, कक्ष निर्माण, इंटरलॉकिंग, अमृत सरोवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास होने से विद्यालयों की सूरत बदलेगी। जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि जनपद में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कुल 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10 इंटर कॉलेज तथा 18 हाई स्कूल के विद्यालय हैं। इन सभी 28 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बालक बालिका प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्षा आदि का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और वह जनपद का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक शुमारू प्रधान, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा नीलोत्मा चौबे, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, अन्य कर्मचारी गण उपस्थित थे। देखिए, आज पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जो राजकीय इंटर कॉलेजेज और कन्या इंटर कॉलेजेज हैं, उसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्यक्रम था। उसी के क्रम में जनपद में भी कार्यक्रम था। हमारे जनपद में 28 विद्यालयों में लगभग 35 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जिनका शिलान्यास कराया गया है, जिसमें शौचालय, पेयजल, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, मल्टीपर्पज हॉल आदि इस प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। इससे जनपद के विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ। आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल नहीं है, लड़के लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है, स्वच्छ पेयजल के पानी की व्यवस्था नहीं है, या क्लासरूम नहीं है, इसके लिए पूरे प्रदेश में उन्होंने व्यवस्था की। सिद्धार्थनगर के लिए 28 माध्यमिक विद्यालयों में 35 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति की है। यहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज भोपासी डुमरिया में, नवगतनी, पचमोहनी, यहाँ के विद्यालयों में हॉल बनेगा, मल्टीपर्पज क्लासरूम बनेगा, सेपरेट टॉयलेट्स बनेंगे। तो ये कार्यक्रम था, पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन कार्यक्रमों को सोचा। एक तो विद्यालयों में अतिरिक्त कष्ट की जरूरत होती नहीं मिलता है पैसे के अभाव, और हमने भी अभी REC PSU भारत सरकार की रूरल एक्सप्रेस, इससे मैंने 9 करोड़ कुछ लाख 300 विद्यालय, सरकारी विद्यालय स्मार्ट क्लास किया है। और आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर की आकांक्षा